अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से जो कोर्सेज़ ऑफर किए जा रहे हैं फ्री में, शॉर्ट कोर्सेज जो कि 3 मंथ्स के भी हैं और 12 मंथ्स के भी हैं। तो वो शॉर्ट कोर्सेज आपको फ्री में ऑफ़र किए जा रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उनके जो उनका इश्तहार 17 जनवरी को आया था और 31 जनवरी को लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन के लिए लिमिट है वो प्राइमरी रखी गई है, यानी अगर आप 5 क्लास तक पास हैं, अगर आप 18 से लेकर 35 ईयर्स तक हैं और आपकी प्राइमरी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में सीखेंगे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनका फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, BBSHRRDBB, ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म है इनकी वेबसाइट का, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च का। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर लॉगिन, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है NIC, अगर आपका जो भी NIC होना लाजमी है आपका, 18 से लेके 35 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बेसिक एजुकेशन प्राइमरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे चले जाएँ, कैंडिडेट NIC जो भी लिखे अपना, उसके बाद जी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना NIC और डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। तो यहाँ पे मैं चेक पे क्लिक करूँगा तो मुझे जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन, तो मेरे पास 3 चॉइसेस मिली है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी इन्होंने की फीस नहीं है, 3 मंथ्स का जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 30 चॉइस लिखी हुई है, पहली चॉइस, सेकेंड चॉइस और थर्ड चॉइस, उसमें आपको ये 1 चॉइस आपको देंगे, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है अप्लाई, लेकिन जो बेसिक चीज़ ये है कि आपको यह माना वजीफा भी देंगे, माना खर्चा भी देंगे और ये फ्री ट्रेनिंग आपको मिलेगी जितने महीने का ये कोर्स होगा। चलते हैं यहाँ पे सेक्टर भी आपके सामने जो भी है, जैसे कि आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट है, ऑटो इंजीनियरिंग है, ऑटो पार्ट मशीनिंग है, बट कोई जो भी आपके सारे मेन फील्ड्स है। इसके मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, ट्रेड में यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट ट्रेड कर लें। उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो लिख लें, टंडोलियार वगैरह जो भी है, हर डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं हैदराबाद में पुरुषांगर टंडोलियार है वो मैं लिख सकता हूँ, UC जो भी है आपकी वो कर लें। उसके बाद आपका सेकंड चॉइस जो भी आप करना चाहें, जैसे अगर तो सिविल इंजीनियरिंग आपको नहीं मिलती है आपके क्राइटेरिया के बेस पे, तो आपको जो है दूसरा भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी कंस्ट्रक्शन भी है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या करना चाहते हैं, तो सेल्फ ट्रेड कर लें या एंटरप्रेन्योरशिप भी कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है और टाउन तालुका, इसी तरीके से थर्ड चॉइस भी आप इस तरीके से ही करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना, आपका नाम, आपका CNIC नंबर जो आपने मैंने आपका होना चाहिए लाजमी, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका स्टेटस, ठीक है, सिंगल मेरिट वगैरह, आपका जेंडर, आपका डोमिसाइल, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका मोबाइल नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, तो ठीक है ना, तो वही होगा, आपका ईमेल एड्रेस और सारी सारी चीज़ें आप यहाँ लिख लें। उसके अलावा एजुकेशन डिटेल्स में, तो इसी तरीके से आप थर्ड चॉइस पर टिक करेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कब किस में करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके सामने 3 चॉइसेस दी गई हैं। अब अगर आपका एक में नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में हो जाएगा, लेकिन कन्फर्मेशन आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पर होगी। आपका जो एजुकेशन है, आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से आपको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपकी डिटेल्स हैं एप्लीकेंट्स की, आपका नाम है, आपका CNIC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेटस, आपका डोमिसाइल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप जहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शो रहा है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अनएम्प्लॉयड। उसके अलावा मोबाइल नंबर, आपका टेलीफोन, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी एजुकेशनल, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका फादर नेम, फादर NIC, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उसके अलावा फादर का जो प्रोफेशन है, ठीक है, बाकी उसकी मंथली इनकम, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर्स, हाउस होल्ड मंथली इनकम, उसके अलावा मंथली एक्सपेंडिचर, आपका एड्रेस, आपका प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप लिख लें, उसके अलावा प्रेजेंट टाउन आपको कौन सा है, उसके अलावा
जो कि सी एन आई से मैंशन हो, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके अलावा जो सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करके आप फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, इसमें ये भी बताया गया है कि सबमिशन ऑफ फॉर्म डज नॉट गारंटी फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि आपको गारंटी नहीं दी जा रही कि आपको लाजमी ट्रेनिंग में सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपके सब डॉक्यूमेंट्स आपको देखे जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। जब आप सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आपसे 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, वो आपने स्कैन करके उनको जो है ऑनलाइन ही फिल कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप करेंगे तो कुछ दिन के बाद उनका रिप्लाई आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पर कि भाई आप सेलेक्ट हो चुके हो या नहीं हो चुके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था अप्लाई करने का, ये बेहतरीन मौका है अगर आप अभी बेरोजगार हैं, अगर आप फारिग हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुई, अगर आप किसी भी आपका टाइम बच रहा है तो आप इस कोर्स में लेके एनरोल कर सकते हैं। ट्रेनिंग फिजिकल होती है, इनके सेंटर्स होते हैं, नवाबशाह में भी है, टंडोलियान में भी है, हैदराबाद में भी है शहीद बेनजीर के नाम से, तो यहाँ पे वो जो है सेंटर पर ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे आपको क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको माना वजीफा मिलता है, कल आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो कल आप फ्यूचर में जाके आगे जाके इन्हीं फील्ड्स में काम भी कर सकते हो कहीं पे भी, और अपने दुकान वगैरह भी खोल सकते हो, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, ताकि आपके आगे जाके आपको जो है आपको और आपके घरवार को रिसोर्स में आगे जाके कामयाबी मिल सके। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।